क्विक हिल फाउंडेशन द्वारा सेवा भारती कन्नौत को एक आरोग्य वाहन भेंट किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए यह आरोग्य वाहन चलित चिकित्सालय प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर के साथ ही ग्रामीणों का उपचार भी करेगा, जिससे ग्रामीणों को घर बैठे उपचार मिलेगा। आरोग्य वाहन का लोकार्पण रविवार को आस्था रोड स्थित खेड़ापति गार्डन में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट मुकेश गुर्जर ने की। मुख्य अतिथि धर्मेंद्र सैंधव, जिला कार्यवाहक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा एसडीएम प्रिया वर्मा, समाज सेवी गोविंद गर्ग, डॉक्टर दीपक यादव विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर संस्था भगवन के रुपेश शर्मा ने आरोग्य वाहन के संचालन हेतु प्रतिवर्ष 21,000 रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने किया तथा अंत में आभार रुपेश शर्मा ने व्यक्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं सेवा भारती के सदस्यों के साथ ही गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। सर, ये क्विक हिल फाउंडेशन के द्वारा सेवा भारती को जो भेंट, जो एम्बुलेंस वाहन दिया गया है, तो किस तरह की ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करेगा, उसका क्या उद्देश्य आप बताएं? क्विक हिल फाउंडेशन पुणे की एक संस्था है जो गरीब अनुसूचित जनजाति वर्ग क्षेत्रों में ऐसे ही जगह जहाँ पर आज भी हॉस्पिटल या क्लिनिक नहीं है और स्वास्थ्य सुविधा जिनको उपलब्ध नहीं है, ऐसे लोगों के लिए वो उन्होंने वैन, चलित चिकित्सालय वैन दान की है, जिसका संचालन सेवा भारती देवास द्वारा और भैया जी ठाणी न्यास के द्वारा किया जाएगा और सेवा भारती इसको संचालित करेगी पूरे कन्नौज अनुभाग में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।